हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कूड़े के पहाड़ को लेकर जमकर सियासत हुई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किए, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन कूड़े का ढेर एक और जगह है, वो है ओखला का शाहीन बाग। आप देख सकते हैं यहाँ डंपिंग यार्ड है और यहाँ पर हजारों किलो कूड़े रोज आते हैं। आप स्थिति देख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहता है, ये नहीं यहाँ से हटता। बस आती है गाड़ी, दो एक दिन में जाती है, फिर उतना ही रहता है, ऐसे ही रहता है। बुरा हाल इधर भी, उधर अलसिपा की तरफ भी आप जाके देखोगे वहीं भी ये हाल है। दिल्ली को चमकाना है लेकिन शाहीन बाग की स्थिति, कूड़े का पहाड़ यहाँ है। कूड़े का पहाड़ तो एमसीडी कर रखी है, ये एमसीडी के अंदर आता है। एमसीडी को हटना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कूड़ा है नहीं है। आप भी, आपके सामने देख लीजिए हालात क्या है, यहाँ से लेकर के पूरा अलसिपा हॉस्पिटल तक पूरा हाल है। पास्ता को लगाओ इटालियन तड़का, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी टेस्टी। कूड़े के बीच ही रहते हैं आप? अब भाई यहीं से भरते हैं हम लोग, यहीं से चले जाते हैं। बदबू के मारे सवारी भी नहीं बैठ पाती है यहाँ पे। बस सिलेक्शन के टाइम दिख गए, ये करना है वो करना है। ये नाले देखो, यहाँ से वहाँ तक पूरा जाम है। तो कहने से नहीं, करने से होता है। कोई भी रहे, कोई भी पार्टी रहे, काम करेगी तो लोग वोट देते हैं। मजबूरी हो गई जब से यहाँ पे प्राइवेट ठेकेदार लोग आए। ये कोई एमसीडी की जगह नहीं है कूड़ा गिराने की, कि यहाँ पे कूड़े का खत्ता एमसीडी में है। ये एमसीडी में नहीं आता, ये 8 नंबर जो है ये शाहीन बाग एमसीडी में नहीं आता। ये प्राइवेट ठेकेदारों ने कुछ अपना दबदबा बना रखा बस। कूड़े का ढेर यहाँ है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता? नहीं नहीं सर, रोज़ गाड़ी आती है, रोज़ हटता है। अगर नहीं हटेगा ना तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाएगा। रोज़ गाड़ी आती है, मैं देखता हूँ डेली गाड़ी आती है, हटता है कूड़ा। हमेशा गाड़ी आती है, डेली गाड़ी लेकर जाती हैं, सफाई होती है अंदर तक की। शाहीन बाग की गलियों में भी सारी साफ़ सफाई है, सब कुछ है, डेली झाड़ू लग रही है, कूड़ा उठता है। बहुत सी दफ़े तो यहाँ तक रोड ब्लॉक हो जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ की आवाम को। और भी कई चीज़ें हैं जिससे प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर रोड जाम हो जाता है, उससे दिक्कत है। फिर ये यहाँ मेरा मानना ये है, जैसे कि रोड है ऑन रोड, तो इस पर जगह एमसीडी को अलग से चुननी चाहिए। ये नहीं कि जनता को परेशान करे, कब यहाँ पर रोड है तो रोड पे सारे में देखो कूड़े ही कूड़ा है, यहाँ से लेकर के 9 नंबर तक प्रॉब्लम होती है आवाम को। कूड़े का ढेर है तो सरकार को चाहिए जो मतलब कुछ ऐसा मतलब व्यवस्था करे जिससे मतलब पब्लिक जो है उसी में कूड़ा डाले। अब कोई भी आता है कूड़ा लेकर के ऐसे फेंक के चला जाता है तो ढेर तो होगा ही। क्या विकल्प है, क्या पार्टी दे के वोट करेंगे, नेता देख के वोट करेंगे, चेहरा देख के वोट करेंगे? यहाँ तो जो चल रहा काम तो ठीक चल रहा, अपना इसे ऐसे ही वोट कर देंगे। पार्टी तो वो है ही नहीं कोई भी, जो पहला है उसने काम सही कर रहा उसे वोट मिल जाएगी। क्या परेशानी आ रही है एमसीडी चुनाव में, किन मुद्दों के साथ वोट करोगे आप? थोड़ी सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, ट्रांसफार्मर के पास इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, सब कूड़ा पड़ा रहता। कूड़े का ढेर है, कुछ सड़कें जो बनी नहीं हैं, कुछ सड़कें अभी भी ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको सीवर डाल दिया गया है, ब्लॉक ढक्कन खुले हुए हैं और रोड अभी बना नहीं है। तो आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो रहा है? लगभग मोह भंग ही हो रहा है, जो काम करके नहीं देगा तो क्या करेगा आदमी? क्यों काम ही नहीं, जगह जगह कूड़े का ढेर हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है, नालियाँ जाम पड़ी है, सब डाले सीवर डाल दिए तो उसका कोई पानी का निकास नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं लोगों का मोह भंग होना शुरू हो चुका है और एक बार फिर से लोग तलाश कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं कि कांग्रेस शायद उनकी नैया पार लगाए। कैमरा पर्सन प्रमोद सिंह के साथ सैयद नज़ीर, इंडिया टीवी, दिल्ली।